जनपद मिर्जापुर के विकास खंड हलिया के अंतर्गत पिछड़े न्याय पंचायत मतवार में विकास के आस की बाढ़ जो रहे ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ जिलाधिकारी मिर्जापुर को शिकायती पत्र सौंप संपर्क मार्ग निर्माण की आवाज को बुलंद किया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अति पिछड़े न्याय पंचायत मतवार में संपर्क मार्ग ना के बराबर है। यूं तो सरकारें बड़े बड़े हाईवे के निर्माण को लेकर अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं और आयोजनों के माध्यम से चुनावी गुणा गणित भी सेट करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसे न्याय पंचायत सरकारों को उनकी कथनी और करनी में फर्क को आईने की तरह साफ साफ दिखाते हैं। हाल ही मिर्जापुर जनपद में एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन समारोह में अपनी उपलब्धियों का खूब बखान किया गया, लेकिन उसी राजमार्ग से सटे हुए न्याय पंचायत में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले संपर्क मार्ग का निर्माण कब हुआ तो संपूर्ण या पंचायत विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। ये खराब है, इसकी क्या समस्या, कहीं आप जाके इस समस्या को बताए हैं तो क्या आपको क्या आश्वासन मिला है? हर जगह पे समस्या को के लिए बताया, पूरी जनता बताई, और जो माननीय श्री राहुल प्रकाश जी हैं यहाँ के 96 विधायक उनको भी बताया, और मैं यहाँ तक तो नहीं जिलाधिकारी मुख्यालय तक हम पूरी टीम गई थी यहाँ से। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन जिला अधिकारी महोदय जी ने बताया कि जो है यहाँ के विधायक जी ने लगे हुए हैं कार्य पे, और जितनी वन विभाग की जमीन है ये वन विभाग लमसम 15 किलोमीटर लमसम वन विभाग की जमीन फंसती है, और इस 15 किलोमीटर के अंतर्गत 34 एकड़ जमीन, ये SDM साहब ने बताया 34 एकड़ जमीन वन फॉरेस्ट की पड़ती है। इसमें जो है रोड बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब पर भी भारत सरकार बनाने के लिए कोशिश पड़ी है, और कोशिश में तो हमें आज 25 सालों से मिल रही है, 25 सालों से आश्वासन पूरे न्याय पंचायत मतवार को मिल रहा है, 25 सालों से इतना पीड़ित है कि जो यहाँ डिलीवरी होता है सर, डिलीवरी न्याय पंचायत मतवार के किसी भी समुदाय के लोगों का डिलीवरी होती है, रास्ते में हो जाता है, रास्ते में अपना जान त्याग देते हैं। रोड नहीं है, इसीलिए जैसे गर्भवती औरत है तो एम्बुलेंस कैसे आवे, हलिया से माने मतवार आवे कि गर्द, मगर रोड नहीं सही है, मौत भी हो सकती है यहाँ। तो कितने दिनों से ये रोड की समस्या है? अरे जन्म से चला आवता ये चीज, बहुत अधिकारी लोग जीते थे मगर क्या करते, रोड पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्या समस्या हो रही है आप लोग? क्या समस्या है साहब, रोड ही नहीं बन रही है, और लड़का लगा पढ़ाई में पढ़ावत है, 8-7 का स्कूल भी है, जब 12-13 में लड़का होते हैं तो हलिया जाएगा तो कैसे जाएगा, जंगल में भालू खा लेगा दगरा में। तो आप चाहते हैं आपका रोड बनाया जाए? रोड बने भी गए, स्कूल बंद भी गए। समस्या सबसे ज्यादा सर है कि हम लोग रोड की वजह से हम लोग की विकास बहुत तेज पिछड़ा हुआ है, अगर रोड हम लोगों की अगर बन जा रही है तो हम लोग वोट का देंगे, और नहीं बन रही है रोड तो हम लोग रोड का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार विकास सभा। आपके यहाँ स्थानीय विधायक कौन है? हमारे यहाँ स्थानीय विधायक राहुल प्रकाश कोल जी हैं। आपने विधायक जी से कभी कहा इस संबंध में? जी बहुत बार कहे, वो बहुत हमको आश्वासन दिए, 2-3 बार दिए, 5 साल में 2-3 बार आश्वासन दे चुके, लेकिन अभी तक रोड का कोई क्लियर पता नहीं चला बनेगी कि नहीं, इसलिए हम लोग एकदम ठान लिए, हम लोगों के यहाँ इतनी परेशानी है रोड से, हम लोग जा नहीं पाते हैं, सब गाड़ियाँ पंचर हो जाती है रास्ते में, टायर बोल जाता है। जहाँ आप खड़े हैं ये कितने गाँव का रास्ता है, कितने गाँव, इस गाँव से कितने लोग? इसमें 10 ग्राम सभा के लोग हैं न्याय पंचायत मतवार के, सभी लोग जाना इसी गाँव से। जी जी इसी रोड से जाना है, कोई जा नहीं पाता है, डिलीवरी उलवरी सब कुछ लेके एकदम, हम लोग का कहना है कि अगर इस बार रोड नहीं बनती है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। मिर्जापुर ब्यूरो रिपोर्ट।